आप देख रहे हैं अनोखी आवाज़ न्यूज़। हमेशा बयानबाजी से चर्चा में रहने वाले ग्रामीण विकास मंत्री की फिर जुबान सुस्ती। जी हाँ, अपनी बयानबाजी से हमेशा चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। मंत्री ने सतना सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ बोलापन जाहिर कर दिया। हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए कटघरे में खड़ा कर दिया है। मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस ठीक से लड़ नहीं पाई, अगर ठीक से लड़ती तो कांग्रेस की सरकार बन सकती थी। मंत्री कमलेश्वर पटेल मंत्री बनने के बाद अपने आप को कांग्रेस संगठन से ऊपर समझने लगे हैं। मंत्री जी का यह बड़ बोला बयान उनके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। कमलेश्वर पटेल वर्तमान में प्रदेश सरकार में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा द्वारा 4 नवंबर को होने वाले प्रदेश व्यापी आंदोलन को लेकर शिवराज और भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट सतना। मंत्री जी, बिजली के बिल जो है ना खराब तरीके से कई गरीबों को भी मिले, कई जगह से जिले में आए हैं। किसी को हटाते हैं और आपने इसके आश्वासन भी दिया था। देखिए, तो हम लोगों में कमी थी जिसकी वजह से महाराष्ट्र और हरियाणा में नहीं आए। अगर हम अच्छे से लड़े होते तो आज हमारी वहाँ भी सरकारें होती, तो कहीं ना कहीं हम जो कमी है स्वीकार करते हैं। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी भी जाके मंदसौर में नाटक नौटंकी तो करते हैं, पर किसानों के अगर असली हितैषी होते वो जाके एक बार अपने नेताओं से भी बात करते कि आपने तो कुछ किया नहीं, कोई अगर अच्छा कर रहा है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, सिर्फ विरोध करना है, इसलिए विरोध करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो इतने ज़्यादा सांसद जीते हैं, हमारे तो एक ही सांसद है, सारे सांसद तो भाजपा के हैं। क्या किसानों ने वोट नहीं दिया? धरना प्रदर्शन आंदोलन मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, ये धरना प्रदर्शन आंदोलन अगर केंद्र सरकार के खिलाफ करें, वहां जाके मांग करें, पर आने वाले समय में हमारे कार्यकर्ता नेता सब पूरी मजबूती में आ गए, अब भोग खरे की राजनीति में प्रदेश की जनता भी नहीं आने वाली। ये नब्ज़ अब सबको समझ में आ रहा है कि देश की जनता ने भी कंट्रोल लिया है और आप जैसे चौथे स्तंभ के लोगों ने भी कंट्रोल लिया है, तो अब मुझे नहीं लगता कि एक तरफा वाला मामला चलेगा। अब कांग्रेस की सरकार देश